दोस्तों आज हम जिस मंदिर के बारे में बात करेंगे वह चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदिर, जो बहुत ही आस्था का प्रतीक है। गौरी शंकर मंदिर के बारे में जानेंगे कि यह क्यों प्रसिद्ध है, यह कितने साल पुराना है और गौरी शंकर मंदिर में हम कैसे आ सकते हैं। चलो बात करते हैं गौरी शंकर मंदिर की। दोस्तों गौरी शंकर मंदिर दिल्ली में लाल किला के सामने चांदनी चौक में पड़ता है। अगर हम गौरी शंकर मंदिर आना चाहते हैं लाल किले तक, आकर आप डायरेक्ट लाल किले पर खड़े होकर देखेंगे तो सामने आपको गौरी शंकर मंदिर दिखाई देगा। वैसे आप लाल किले तक मेट्रो स्टेशन और बस के द्वारा भी आ सकते हैं। दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चलो चांदनी चौक में श्री गौरी शंकर मंदिर को देखते हैं और जानते हैं गौरी शंकर मंदिर के बारे में। मान्यता है कि 5 पीपल के पेड़ के मध्य विराजे भगवान भोलेनाथ भक्तों की हर मुराद को पूरा करते हैं। साल 1909 में मंदिर की देखभाल करने वाले प्रबंध समिति के अनुसार मंदिर करीब 800 साल पुराना है। इसकी यह भी मान्यता है कि वर्ष 1761 में मराठा सैनिक आपा गंगाधर ने इस मंदिर के भवन का निर्माण कराया। इनके नाम का जिक्र आज भी मंदिर की छत पर मौजूद पिरामिड के निचले हिस्से में देखने को मिलता है। दोस्तों गौरी शंकर मंदिर में गौरी और शिव की पूजा अर्चना के लिए यहाँ सुबह 5 बजे से ही भक्तों की लंबी कतारें लग जाती हैं। सोमवार को भी यहाँ सुबह 5 बजे से शिवलिंग और गौरी शंकर का पूजन शुरू हो जाएगा। पूरे सावन मास यहाँ भक्तों की हजारों की तादाद में भीड़ देखने को मिलती है। यह पुरानी दिल्ली के सबसे चर्चित और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। गौरी शंकर मंदिर में हम अंदर जाने के बाद आप देख सकते हैं एक छोटा सा रास्ता जिससे आप गौरी शंकर मंदिर में परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय आप छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप गौरी शंकर मंदिर में दर्शन करते हुए अंदर जाएंगे तो वहां पर बहुत बड़ी शिव भगवान की मूर्ति दोनों भुजा फैलाए हुए आपको देखने को मिलेगी। यह मूर्ति बहुत ही सुंदर और विशाल है। दोस्तों कुछ लोगों का यह भी मत है कि 5 पीपल के पेड़ों के बीच मौजूद शिवलिंग सैकड़ों वर्ष पहले से मौजूद है, जिसके ऊपर रखे एक चांदी के बर्तन से जल की बूंद अभिषेक कर रही हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और कमेंट करने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मंदिर के बाहर शिव भगवान पर चढ़ाने के लिए फूल बेलपत्र आदि की व्यवस्था है। आप यहाँ से फूल बेलपत्र लेकर